हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। फिजिक्स इन इजी वे के साथ कॉन्सेप्ट को समझना हुआ सबसे आसान। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है मोमेंटम स्क्वायर एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करने में यूजिंग ऑपरेटर फॉर्मुलेशन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। इससे पहले मैंने मोमेंटम एक्सपेक्टेशन और पोजिशन एक्सपेक्टेशन की वैल्यू ऑलरेडी अपलोड कर दी है, एंड ऑपरेटर फॉर्मुलेशन क्या होता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, ये सारे वीडियोज में अपलोड कर चुका हूँ। आप जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं, उसके बाद अगर आप इस लेक्चर को अटेंड करेंगे तो आपको बेटर समझ में आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, लोअरिंग एंड रेजिंग ऑपरेटर, जिनको हम लैडरर ऑपरेटर्स भी कहते हैं। जो हमारा लोअरिंग ऑपरेटर है उसकी ये वैल्यू है और ये स्टेट में आपकी एक कमी कर देता है, एंड ये रेजिंग ऑपरेटर है इसकी वैल्यू इसको ए डायगर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्टेट को आपको बढ़ा देता है। दोनों के सेम वैल्यूज हैं बट फर्क है साइन का, यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन है, यानी कि एक दूसरे के ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं। अगर आपको मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले आपको इन ऑपरेटर्स का यूज करके मोमेंटम ऑपरेटर फाइंड करना पड़ेगा, या कह सकते हो आप कि आपको पहले मोमेंटम ऑपरेटर को इन दो लोअरिंग एंड राइजिंग ऑपरेटर की फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। उसके लिए सिंपली अगर आप इन दोनों ऑपरेटर्स को माइनस करते हैं तो ए में से एक डैगर को माइनस करोगे और साथ ही साथ क्या होगा, ये वाला पार्ट माइनस करने में क्या होगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसा करके, एंड ये दोनों पार्ट आपस में ऐड होंगे बिकॉज माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। फिर यहां से हमें जो मोमेंटम ऑपरेटर पी कैप है इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो कुछ इस तरह से निकल के आएगी। इसी के पहले के लेक्चर्स में उन वैल्यू को मैं फाइंड करके आपको दिखा चुका हूं, इसलिए मैं यहां पर नहीं दिखा रहा हूं। अब अगर आपको मोमेंटम स्क्वायर एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम यहां पर डिराक नोटेशन यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मोमेंटम स्क्वायर ऑपरेटर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्योंकि हमें ये मोमेंटम की वैल्यू पता है तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मोमेंटम स्क्वायर ऑपरेटर की वैल्यू पता चल जाएगी। यानी कि अगर आप यहां पर से आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो आयोटा का स्क्वायर माइनस वन होता है तो इसलिए यहां पर माइनस आ जाएगा, और इस टर्म का स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, एंड जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां पर हमें ए माइनस ए डैगर एंड ए माइनस ए डैगर को दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि स्क्वायर के ही इक्विवेलेंट माना जाएगा। अब यहां पर जब मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो पहले आप ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ऑपरेटर का स्क्वायर हो जाएगा, देन हम ए को ए डैगर से मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे, एंड आप ए डैगर को ए से मल्टीप्लाई यहां लिखेंगे, एंड ए डैगर को ए डैगर से मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे। सिंपली आपने यहां ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है। इसके बाद हमें जो वैल्यू मिल गई है ये मोमेंटम स्क्वायर ऑपरेटर की वैल्यू मिल गई है। अगर आप हमको डिराक नोटेशन का यूज करके मोमेंटम स्क्वायर एक्सपेक्टेशन निकालना है तो मोमेंटम स्क्वायर एक्सपेक्टेशन फॉर्मूला होता है एन मोमेंटम स्क्वायर ऑपरेटर एन। यहां पर जो ब्रैकेट है इसको हम ब्रा ब्रैकेट बोलते हैं और इसको कैट ब्रैकेट बोलते हैं। जो कैट होता है हमारा वो रियल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है और जो ब्रा होता है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। जब भी हमें स्टेट अप्लाई करनी होती है स्टेट को हमेशा हम कैट वेक्टर में अप्लाई करते हैं। ब्रा वेक्टर कॉम्प्लेक्स होता है इसलिए उसमें हम स्टेट को अप्लाई नहीं करते हैं। अब फटाफट से हम क्या करेंगे, इस जो मोमेंटम स्क्वायर ऑपरेटर इसकी वैल्यू को उठाकर हम यहां पर मोमेंटम स्क्वायर ऑपरेटर की जगह पर फिट कर देंगे। तो हमारा यहां पर क्या है, एन ब्रा है, देन हमारा ये मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू है, देन हमारा एन कैट ऑपरेटर है। इसका सिंपली हमें करना क्या, सिंपली हमें अंदर पहले तो हम एक काम करके माइनस का एम ओमेगा एच क्रॉस बाई टू जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट टर्म को पूरा बाहर हम कांस्टेंट कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के बाद यहां पर हमारे पास आएगा अंडर रूट एन, फिर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके यहां पर से इस एन को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहां से एन लेंगे, यहां से ए डैगर का स्क्वायर लेंगे, फिर यहां से अगेन एन लेंगे, फिर यहां से एन लेंगे, यहां से ए ए डैगर लेंगे और यहां से एन लेंगे, यहां से एन लेंगे, यहां से ए डैगर ए लेंगे, यहां से एन लेंगे। तो सिंपली हमने यहां पर मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि जो पहला टर्म बना है वो बना है हमारे पास एन ब्रा ए स्क्वायर एन कैट यहां पर लिखा हुआ है, फिर एन ब्रा एन डैगर स्क्वायर एन कैट यहां पर लिखा हुआ है, फिर एन ब्रा ए ए डैगर एन कैट, फिर एन ब्रा ए डैगर ए एन कैट, हमने सिंपली मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख दिया है। इसके बाद हमें सिंपली अपने ऑपरेटर्स को स्टेट में अप्लाई करना है, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। जब हम अपने लोअरिंग ऑपरेटर को एन स्टेट में अप्लाई करेंगे तो लोअरिंग ऑपरेटर करेगा क्या, जो आपकी जो स्टेट एन है इसे एक डिक्रीज कर देगा, इसलिए इसको हम लोअरिंग ऑपरेटर बोलते हैं बिकॉज ये स्टेट में डिक्रीज कर देता है। और आपका जो यहां पर एन है इसी कारण जो आपका यहां पर एन है इसलिए यहां पर जो आपका आइगन वैल्यू है वो अंडर रूट एन आ जाएगी। सिमिलरली अगर आप ए डैगर ऑपरेटर को यानी कि रेजिंग ऑपरेटर को स्टेट में अप्लाई करेंगे, जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है
ये इस स्टेट को बढ़ा देगा। जैसे इसने आपके स्टेट को कम किया था, एन माइनस वन आएगा यहाँ पर, तो ये आपका स्टेट को बढ़ा देगा, यानी कि ये स्टेट को एन प्लस वन कर देगा और यहां पर आएगा एन प्लस वन रूट के अंदर। यानी कि जब आपको लोअरिंग ऑपरेटर अप्लाई करना है, जो जितना भी यहाँ पर स्टेट में लिखा है उसका यहाँ पर रूट आएगा और स्टेट में एक कमी आ जाएगी। और जब रेजिंग ऑपरेटर को अप्लाई करोगे तो जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें आपको एक ऐड करना पड़ेगा, फिर रूट में लिखना पड़ेगा और स्टेट में भी आपका एक ऐड हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम यहाँ पर अपनी स्टेट्स में अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपके जो आपका ए ऑपरेटर है वो दो बार है, तो पहले सिंपली हम इसको एक बार अप्लाई करेंगे और एक बार हम उसको ऐसे लिख देंगे। यानी कि ए स्क्वायर को हम अप्लाई करेंगे तो उसके लिए पहले हमने एक बार ए को ऐसे लिखा हुआ है और एक ए को हमने अप्लाई कर दिया, यानी कि एक ए को हमने एन में अप्लाई कर दिया। तो जब हम एन में अप्लाई करेंगे तो उस एन के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है रूट एन आएगी और इस एन स्टेट में एक का डिक्रीज आएगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, यहां पर एन आएगा और इस एन में एक की डिक्रीज हो जाएगी और एक ए को हमने ऐसे रहने दिया ताकि हम उसको नेक्स्ट लाइन पे उसको अप्लाई कर सके हम। सिमिलरली यहां पर भी दो ए डैगर हैं जिसमें से हम केवल एक ही ए डैगर को अप्लाई करेंगे और एक ए डैगर को हम एज इट इज रहन देंगे। तो हमने एक ए डैगर को मैंने यहां पर एज इट इज लिखा हुआ है और एक ए डैगर को मैंने एन में अप्लाई कर दिया। तो जब आप ए डैगर को एन में अप्लाई करते हो तो रूट एन प्लस वन आता है और एन प्लस वन कैट आता है। तो यहां पर देखो सेम वही लिखा गया है, एन प्लस वन एंड एन प्लस वन कैट, यानी कि हमने दो ए डैगर में से एक ए डैगर को एन में अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब यहां पर एक ए डैगर को हम एन में अप्लाई करेंगे। तो जब ए डैगर को आप एन में अप्लाई करोगे तो एन से बन जाएगा एन प्लस वन जो रूट के अंदर आएगा और जो एन स्टेट है उसमें एक इंक्रीज हो जाएगा, यहां पर एन प्लस वन आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर एक बार ए डैगर है और एक बार ए है, तो पहले हम ए को अप्लाई करेंगे एन में। ए होता है लोअरिंग ऑपरेटर, यहां पर एन लिखा है तो पहले रूट एन आएगा और ये जो एन है इसमें एक की कमी आ जाएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब इसके बारे में करना क्या है, हम जो यहाँ पर जो हमने ये आइगन वैल्यूज लिखी हुई इन्हें हम बाहर निकालें। जैसे यहाँ पर रूट एन है तो इस रूट एन को हम बाहर निकालें तो बचेगा हमारे पास एन ब्रा ए एन माइनस वन कैट। यहाँ से हम रूट एन प्लस वन को बाहर निकालें तो यहाँ बचेगा हमारे पास एन ब्रा ए डैगर एन प्लस वन कैट। यहाँ से हम एन प्लस वन रूट को बाहर निकालें तो हमारे पास बचेगा एन ब्रा ए एन प्लस वन कैट। यहाँ से हम रूट एन को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा एन ब्रा ए डैगर एन माइनस वन कैट। अब करना क्या हमको, अब हमको दूसरा जो हमारा ऑपरेटर है उसे भी हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जो हमारा ए ऑपरेटर है इसे हम इस स्टेट में अप्लाई करने जा रहे हैं। तो लोअरिंग ऑपरेटर बोलता है जितनी भी स्टेट लिखी है उसमें से एक की कमी आ जाएगी और यहाँ पर अगर एन लिखा तो यहाँ पर अनरूट एन आएगा। तो जब आप इस ए को इस एन माइनस वन में अप्लाई करोगे तो यहाँ पर एन माइनस वन लिखा है। देखो जब यहाँ पर एन लिखा था तो यहाँ पर रूट एन आता है, तो जब यहाँ पर एन माइनस वन लिखा है तो यहाँ पर रूट एन माइनस वन आएगा और स्टेट में एक कमी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एन माइनस वन एक कम होकर एन माइनस टू बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर ये रेजिंग ऑपरेटर है, जब रेजिंग ऑपरेटर को आप एन प्लस वन में अप्लाई करोगे तो क्या होगा, जितना भी यहाँ पर लिखा है उसमें एक ऐड हो जाएगा, एन प्लस वन का एन प्लस टू बन जाएगा और वो रूट के अंदर आएगा और स्टेट में भी एक की इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ये फॉर्मूले में हुआ है, यहाँ पर आपने ए ऑपरेटर को एन माइनस एन प्लस वन में अप्लाई करना तो क्या होगा, जितना यहाँ पर लिखा हुआ है उसका यहाँ पर रूट आएगा, उसका यहाँ पर रूट आएगा एंड इस स्टेट में एक ही कमी आ जाएगी। एन प्लस वन था, एन प्लस वन से एक कम कर दोगे तो आपका एन बन जाएगा। यहाँ पर आप ए डैगर को अप्लाई कर रहे हो, ए डैगर को एन माइनस वन में अप्लाई करने का मतलब ये है कि आप एन माइनस वन में एक ऐड कर देंगे। जैसे आप एन माइनस वन में एक ऐड करेंगे तो एन बन जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर जो आएगा अनरूट एन आएगा और इसे स्टेट में भी एक बढ़ जाएगा। तो जैसे आप एन माइनस वन में एक बढ़ाएंगे तो आपको एन मिलेगा। तो इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने सारी स्टेट्स को अप्लाई कर दिया है। अब बात बारी है सिंप्लीफिकेशन की, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम करेंगे क्या, इस रूट वाले पार्ट को बाहर ले लेंगे तो यहाँ हमारे बचेगा एन ब्रा एन माइनस टू कैट। ऐसे यहाँ पर से हम n प्लस टू रूट को बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा n ब्रा n प्लस टू कैट। यहाँ से हम रूट n प्लस वन को बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास n ब्रा n कैट। यहाँ से हम रूट n को बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास n ब्रा और n कैट। अब यहाँ पर हम ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन यूज करेंगे। ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग है, अगर आपके पास सेम स्टेट होती है n और n, ये सेम स्टेट होती है तो उसकी वैल्यू वन होती है और अगर आपके पास यहाँ पर डिफरेंट स्टेट होती है तो डिफरेंट स्टेट में वैल्यू जीरो आती है। तो यानी कि एन और एन सेम बनने वाले को हम वन ले लेंगे और जो डिफरेंट स्टेट में उनका हम जीरो ले लेंगे। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो ये एन और एन माइनस वन एन माइनस टू है तो ये जीरो बन जाएगा, इस वाले टर्म को हम हटा देंगे। ऐसे यहाँ पर एन लिखा है, यहाँ पर एन प्लस टू है तो ये हट जाएगा, इस स्टेट को हम हटा देंगे। यहाँ पर ये एन है और एन है तो ये इसकी वैल्यू वन हो जाएगी और ये एन और एन की वैल्यू भी वन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली बचने वाला है एन प्लस वन को, जब एन प्लस वन रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली एन प्लस वन बचेगा और एन को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एन बचने वाला है।
अब यहाँ पर अगर हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस एन माइनस एन माइनस का टू एन हो जाएगा और ये भी माइनस का वन हो जाएगा। अब सिंपली अगर आप इस माइनस को कॉमन ले लेते हैं यानी माइनस से माइनस को कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका टू एन प्लस वन बन जाएगा और इस टू से इस टू को काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा एन और टू से इस वन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा वन बाई टू। तो सिंपली आपका जो मोमेंटम स्क्वायर एक्सपेक्टेशन है उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी एम ओमेगा एच क्रॉस एन प्लस वन बाई टू। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर पर किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्या कर सके, इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प ले सके।